नाम डॉक्टर अर्चित अग्रवाल है। आई एम मैं प्रैक्टिसिंग डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ फरीदाबाद में, और मैं आज आपसे बालों को कैसे केयर करते हैं और कुछ बालों के मिथ के बारे में बात करने के लिए जुड़ा हूँ। और बालों के अंदर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्लीनिंग पार्ट। हमें हर 2-3 दिन में बालों को धोना जरूरी है। शैम्पू जो है वो जेंटल होना चाहिए, एसएलएस फ्री होना चाहिए और पैराबेन फ्री होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई हार्ड शैम्पू हम यूज करते हैं तो बालों की सरफेस को रफ कर देता है। शैम्पू करने के बाद जो है कंडीशनिंग जो है एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज करने की वजह से बालों को रिपेल करता है और एक वॉल्यूम जैसा इफेक्ट क्रिएट करता है बालों में, डिटेंगल करता है बालों को और स्मूथ करता है बालों को। कूम्बिंग एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो बाल धोने के बाद जो है हमें बहुत ज्यादा हार्ड या फिर बहुत ज्यादा हार्शली जो है बालों को नहीं रगड़ना चाहिए टॉवल से। हमें सॉफ्ट टॉवल यूज करना चाहिए और थोड़े देर के लिए हमें उसको ड्राई करते ही छोड़ देना चाहिए। बहुत ज्यादा ब्लो ड्रायर का यूज नहीं करना चाहिए, उससे बाल डीनेचर होते हैं और बालों की सरफेस खराब होती है या टेक्सचर खराब होता है बालों का। हमें खाने पीने का ध्यान देना चाहिए, बायोटीन जिंक प्रोटीन विटामिन B12 विटामिन सी और विटामिन डी इम्पोर्टेंट है बालों की ग्रोथ के लिए। वेजिटेरियन के अंदर प्रोटीन का सोयाबीन एक रिच सोर्स है, बाकी टमाटर जो है वो उसके अंदर बायोटीन भी होता है विटामिन सी भी होता है, स्पिनच में आयरन अच्छा होता है। अगर कोई हेयर फॉल एक्सपीरियंस कर रहा है तो थायराइड और फेरिटिन या आयरन लेवल चेक कराना जरूरी हो जाता है। और जो है मेंटल स्ट्रेस ज्यादा नहीं लेना चाहिए, एक थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी या मॉडरेट की एक्सरसाइज जो है डेली करनी चाहिए। बाकी अगर किसी का बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स का काम है या बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है तो उसको डेली या ऑल्टरनेट शैम्पू करना चाहिए। किसी को डैंड्रफ हो रहा है तो सिर्फ ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए, उनको कीटोकोनाजोल या जिंक पायरेथ्रोन पे शैम्पू यूज करना चाहिए। कुछ ऐसे मिथ हैं बालों के बारे में, जैसे कि एलोपेशिया एरियाटा एक एलर्जिक प्रोसेस है। नॉर्मली लोगों को लगता है कोई कीड़ा जैसे बालों में लग गया हो, जिसकी वजह से एक पैचेस हो जाते हैं, बाल्ड पैचेस हो जाते हैं या फिर जिसमें बाल नहीं होते ऐसे पैचेस हो जाते हैं सिर में या दाढ़ी में। लोगों को लगता है ये कीड़े की वजह से है, लेकिन ये एक एलर्जिक प्रोसेस है। ब्लड के अंदर एक एलर्जी या स्किन के अंदर एक एलर्जी हो जाती है जिसकी वजह से बाल उठ जाते हैं, जो कि ट्रीटेबल है। और हेयर ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स जो है वो पूछते हैं कि बाल जो है उगेंगे नहीं उगेंगे। ये नेचुरल हेयर होते हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट में आपके पीछे से ऑक्सीपिटल एरिया पीछे से सिर के पीछे से बाल निकाल के आगे के एरिया में जो डेफिशेंट एरिया है उनमें लगाए जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या है कि वो नॉर्मल नेचुरल हेयर होते हैं जो ग्रो करते हैं और आप कट कर सकते हैं, वो आप कोई आर्टिफिशियल हेयर नहीं होते। और काफी सारे पेशेंट्स जो है वो प्याज का रस या ओनियन जूस लगा के आते हैं हेयर फॉल के लिए या हेयर लॉस के लिए। उसकी वजह से क्या है कि थोड़ा बहुत हेयर रीगेन हो सकता है, क्योंकि वो इरिटेट करता है स्कैल्प को, लेकिन काफी सारे पेशेंट्स में वो एलर्जी कर देता है, जिसकी हमें पहले एलर्जी का ट्रीटमेंट करना पड़ता है जो हेयर फॉल है उससे पहले। तो आपको कभी भी सेल्फ मेडिकेट नहीं करना चाहिए, हमेशा एक्सपर्ट से सुननी चाहिए। आपको कोई भी डाउट है तो किसी एक्सपर्ट से कनेक्ट कीजिए। ये इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।